वेलकम टू फेरीज़ फैमिली ब्लॉग्स। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज है हमारा लास्ट इफ्तार और मैंने इसमें बनाया है चिकन समोसे और साथ में है मैंगो। और इसके साथ आज हमने बाहर से इफ्तार मंगवाया है जिसमें है जिंगर बर्गर्स और लज़ानिया और कोक और साथ में है फ्राइज़, क्योंकि आर्यन को भी साथ साथ कुछ हमने खिलाना है तो इसलिए फ्राइज़ हैं। और ये है कोक और साथ में जिंगर बर्गर्स हैं। जिंगर बर्गर मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो उनके लिए जिंगर बर्गर मंगवाए हैं और आर्यन के लिए फ्राइज़ हैं और मेरा फेवरेट लज़ानिया। और कोक भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और अब आर्यन को आप देख रहे होंगे, आराम से बैठा हुआ है और इस वक्त वो कार्टून्स देख रहा है। इफ्तार का वक्त हो चुका है और हम नमाज के बाद अब ये टेस्ट कर रहे हैं कि ये कैसा है। तो आप लोग भी ज़रूर ये चाहें तो ZQ365 आप फेसबुक पे इनके पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप देखें, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा इनका फ्लेवर होता है और सफाई का भी काफ़ी अच्छा एहतमाम किया जाता है, तो इसलिए ये हमने किया। और आज है ईद का दिन और इस वक्त मैं आर्यन को सुबह जगा रही हूँ। सुबह तो नहीं, तकरीबन 8 हो चुके हैं लेकिन आर्यन को नींद आ रही है। आर्यन ईद मुबारक। वो देखो चेयर पे आपका न्यू ड्रेस है, पहनना है आपने। आपने ईद नहीं सेलिब्रेट करनी करनी है ना? नहीं करनी, फिर क्या करना है आपने? छोड़ना ईद परी नहीं करनी। क्या हुआ आपको? जी बेबी कितना प्यारा सो गया था। मैं इसके पाँव पे गुदगुदियाँ करूँगी। और ये है आर्यन का ईद का ड्रेस, शॉर्ट्स और उसके साथ आर्यन का फेवरेट कलर का शर्ट येलो कलर। आर्यन को बहुत पसंद है तो इसलिए आर्यन ने येलो ही ड्रेस चूज़ किया है अपने लिए। और साथ में इसके रेड येलो एंड ब्लैक में शूज़ हैं। और इसके अलावा ये मेरे हस्बैंड का ड्रेस है। और अभी सभी लोग तैयार हो रहे हैं ईद के लिए। अब यहाँ पे आर्यन के नाना जी आर्यन को ईदी दे रहे हैं और इसके साथ साथ इससे बातें कर रहे हैं। और आर्यन के नाना जी ईद की नमाज़ पढ़कर मामू को साथ लेकर हमें मिलने के लिए आए हैं और आर्यन उन्हीं से बातें कर रहे हैं, अभी तैयार नहीं हुआ और इंजॉय कर रहा है और ईदी बिल्कुल भी नहीं ले रहा था कि मुझे ईदी नहीं चाहिए, मुझे सरप्राइज़ चाहिए। फिर इतनी मुश्किल से ईदी लेने पे एग्री हुआ है और अब मामू ने भी इसको ईदी दी है। अभी इसे ईद लेने की बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि ईदी भी लेते होते हैं तो इसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि मुझे क्यों दे रहे हैं। और बच्चों की ईद इसी तरह होती है, ईदी लेना उनको बहुत अच्छा लगता है। और अभी जब हम मम्मी की तरफ जाएंगे तो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे आते हैं और बहुत मज़ा आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये और भी बड़ा होगा तो फिर इसको ज़्यादा सेंस हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ईद का इसको भी मज़ा आना शुरू हो जाएगा। और अभी इस वक्त ये मामू और नाना जी ने जो इसको ईदी दी है वो है इसकी। और फिर उसके अलावा यहाँ पे आर्यन तैयार हो चुका है बिल्कुल,
और हम लोग अपने घर जाने के लिए तैयार हैं अपनी आर्यन मम्मी की अभी क्या खा तरफ। रहे हैं? और आर्यन भी बहुत एक्साइटेड है। फिंगर चिप्स। मैंने इसको कहा कि अपने बाबा जानी से ईदी ले लो, लेकिन वो उस पर भी एग्री नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम इसको राज़ी कर रहे हैं ईदी लेने पे। तो बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है ईदी लेने का, और बल्कि वो तो ज़बरदस्ती मांगते भी हैं ईदी। लेकिन अभी हमारे बच्चों को इतनी सेंस नहीं है, तो हमें ज़बरदस्ती ईदी देनी पड़ रही है। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा वक्त भी आएगा जब ये ख़ुद भी ईदी मांगा करेगा। और अभी बाबा जो हैं वो गिन रहे हैं कि मैं आर्यन को कितने पैसे दूँ। और ये आर्यन के लिए ईदी निकल आई है, लेकिन आर्यन हैं कि जी ईदी ना लेने पे शोर कर रहे हैं कि मुझे ईदी नहीं लेनी। फाइनली आर्यन रेडी हो गया ईद लेने के लिए, और इसने सारे पैसों में से सिर्फ चूज़ किया कि बाबा आप मुझे 10 रुपीज़ दें, क्योंकि मोस्टली इसको 10 रुपीज़ जब पकड़ाए जाते हैं तो इसको थोड़ी उसकी सेंस है। तो इसने बस इतने पैसों में से सिर्फ 10 रुपीज़ चूज़ किए हैं कि आप मुझे 10 रुपीज़ दें। और ये ईद मिलने लगा था लेकिन फिर भाग गया। अब हम तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। आप अपने ईद के दिन को किस तरह से गुजारते हैं? क्या बोरिंग गुजरता है या बड़ा बिजी गुजरता है? तो हमारा तो मिक्सअप ही होता है। कहीं कहीं थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, और कहीं एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। तो इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है, बल्कि ईद के सारे दिन गुजर जाते हैं इसी तरह से। और अभी आर्यन अपनी पॉकेट में ईदी डलवा रहा है कि मेरी पॉकेट में आप इसको डाल दें। अब हम बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए, और इस वक्त मैं आपको कैमरे में नज़र आ रही होंगी शीशे में। और अब हम बस जाने लगे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ का भी दिखाऊंगी जो हमने इंजॉय किया। बस हम निकल रहे हैं और अब गाड़ी में बैठने लगे हैं। आ जाओ, चलो आओ, इधर से इधर से मामा जा रही हैं, आप बैठो। आर्यन चलो चलो चलो। बाहर बड़ों की निस्बत बच्चों की काफ़ी ज़्यादा रश है। छोटे बच्चे और थोड़े टीन एज के काफ़ी ज़्यादा बाहर घूम फिर रहे हैं, और अपनी ईदी से मुख्तलिफ़ चीज़ें ले रहे हैं। और आप देख रहे होंगे रोड पे भी इतना ज़्यादा रश नहीं है, बस कहीं कहीं पे थोड़े लोग हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे ईद के दिन काफ़ी ज़्यादा रश होता था। अभी हम इस वक्त जा रहे हैं कुछ लेने के लिए बेकरी पे, ताकि हम जब जाएं आर्यन की नानों की तरफ तो वहाँ पे भी कुछ लेके जाएं, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम जाएंगे आर्यन के खालू मौसा और मासा के घर में, तो वहाँ पे भी लेके जाएंगे कुछ ना कुछ। अभी हम आ चुके हैं अपने घर, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे आर्यन ने सही हलचल मचाई हुई है, और इस वक्त अपनी नानों के साथ बातें कर रहा है और इंजॉय कर रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ हमने काफ़ी टाइम गुजारा, और अब हम शाम को वापस आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे काफ़ी तेज़ धूप भी है, और इस वक्त हम घर वापस आ रहे हैं। अब हम वापस जा रहे हैं, अब थोड़ा टाइम घर में गुजारें। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है बाहर इस वक्त, और आर्यन को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। खाने पीना
और ये आर्यन ने पानी की फरमाइश कर दी और अब ये पानी पी रहा है। काफ़ी ज़्यादा दुकानें बाहर बंद हैं, लेकिन जो बेकरियां हैं, इसके अलावा जो करियाना स्टोर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुले हुए हैं, क्योंकि लोगों को आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। और पापा इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं आर्यन के, माशाल्लाह। और ये देखें आर्यन को भी, इसको भी मुस्कुराना, इसको एक्चुअली मुस्कुराना इसलिए आ रहा है क्योंकि धूप है काफ़ी ज़्यादा, तो वो बार बार इसके चेहरे पे लग रही है, तो इसलिए इसको हंसी आ रही है। यहाँ जी हमने आते हुए लिए हैं कुछ गोलगप्पे और अब हम वो खा रहे हैं। और ये आर्यन का गोलगप्पा है, और ये गोलगप्पे हमने लिए हैं आर्यन के बाबा की फरमाइश पे, और वो ही इस वक्त बना रहे हैं, उनको अच्छे लगते हैं बहुत। और आप देख रहे होंगे ये साथ में ग्लास में इसका पानी भी डाला हुआ है। मुझे गोलगप्पे ज़्यादा नहीं पसंद, तो इसलिए बस मैंने एक दो टेस्ट किए और बाकी बाबा ने खाए, और आर्यन के बाबा ने खाए, और आर्यन को हमने एक सिंपल दिया बगैर कुछ डाले। और ये देखिए थे बहुत मज़े के, स्पाइसी भी थे, लेकिन मुझे गोलगप्पे उस तरह से पसंद नहीं है जैसे लोगों को बहुत पसंद होते हैं। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए, अस्सलामुअलैकुम।